Assalamu alaikum, welcome back to a Secret Enough vlog. Let's go! तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो चलो आज देखते हैं, ये है हमारी प्यारी प्यारी गुजरात की गलियां जहाँ पे हमेशा ही दरिया खड़ा रहता है। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं आपको हम क्या दिखाने वाले हैं। आज हम दिखाएंगे आपको गुजरात का एक फंटास्टिक और न्यू रिसेंटली न्यू व्यू, पंजाब जंपिंग ट्रेल। ये हमारे पास आ जाता है पंजाब जंपिंग ट्रेल, यानी कि जंप टंप, जहाँ बच्चे जाके कूद सकते हैं, बड़े भी जाके कुदा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अवेलेबल है सबसे पहले हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग। सबसे पहले बाहर वही है और फिर आगे जंप टंप शुरू हो जाता है। तो लेट्स गो। हमारा ये है प्यारा सा सीन जो कि जंप टंप की एंट्रेंस में है। एंट्रेंस तो आपने देख लिया, ये अंदर है और ये प्यारी प्यारी लाइटिंग फॉन्ट्स है जो कि रात होने पे ही चलेंगे, आपको रात होने पे नज़र आएंगे। मैं थोड़ी सी रोशनी में आई हूँ ताकि मैं अच्छा सा थोड़ा सा व्लॉग बना सकूँ, कुछ नज़र तो आए चार्ज का, नहीं तो अंधेरा हो जाता ना, फिर इतना अच्छा व्लॉग उस टाइप का नहीं बनता, तो इसलिए मैं थोड़ा रोशनी में आई थी। आगे मिलने वाले आपको फनी से व्लॉग्स, तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो मुझे बोझ नहीं पता लग रहा है। और क्या देखो तो सही ना, ये बुर्ज खलीफा लग रहा है ना। चलो बुर्ज खलीफा भी हम कभी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, लेकिन ये अभी लाइट फाउंटेन्स है। मुझे पता ही ये क्या है, मैं बस वैसे ही फनी थोड़ा सा मजाक कर रही हूँ। तो ये हमारे पास आ जाता है पहले, सबसे पहले एंट्रेंस में फन हाउस जो कि छोटा सा एक जंपिंग ट्रेल है छोटा सा, और उसके साथ प्यारा सा फाउंटेन्स लगे हुए हैं ताकि इसको ये डेकोरेट करता है, इसको ये प्यारा बनाता है, तो इस वजह से उन्होंने लगाया है। चलो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या है। वाओ, ये मुझे सबसे चीज़ अच्छी लगती है जहाँ पे उन्हें सीटिंग एरिया इतना अच्छा बनाया होता है कि जहाँ बच्चे फ़न करते हैं और बड़े बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया का दौर आ चुका हुआ है और बड़े और छोटे जिसको देखो वो मोबाइल पर घुसे होते हैं। तो ये है प्यारा सा शावर, आगे नज़दीक जाके आपको दिखाते हैं ये क्या है। और ये हमारी थोड़ी सी पूरी फुल लुक है, ये इनकम्प्लीटेड है अभी, लेकिन जब कम्प्लीट हो जाएगा तो आई थिंक सो के क्या के मैं यकीन से कह सकती हूँ ये बहुत प्यारा लगेगा, मैं क्या कोई भी कह सकता है। तो ये है टॉय शॉप जहाँ पे आप बच्चे और बड़े भी शॉप कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और ये फूड पॉइंट है, जंप डंप टिकट्स है जहाँ से आप टिकट्स खरीद सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो चलो आगे जाके आपको सीन बताते हैं। ये हमारे पास आए हुए बच्चे बचूड़े जो कि आगे जा रहे हैं, जैसे इन्हीं को रास्ता आता बस। तो चलो हम भी चलते हैं इनके पीछे पीछे, देखते हैं कहाँ हमें लेके जाती हैं। और ये कुछ इन्होंने मेन्यूज लिखी हुई है कि ये चीज़ भी इधर अवेलेबल है। इनका सारा कुकिंग एरिया जिधर इन्होंने सारा कुछ खाने के लिए रखा हुआ है, तो आगे जाके देखते हैं इनके पास खाने के लिए भी क्या क्या अवेलेबल है। हम आते जा रहे हैं नज़दीक और ये हमारे पास आ गई लाइव परफॉर्मेंस। अभी आसा सा अंधेरा हो रहा है, जब हो जाएगा तो ये भी इधर भी शो होगा। और वो तो पाकिस्तानी दरिया है, वो तो आपको पता ही है, गुजरात का दरिया ये हर जगह पे होगा। तो ये आ जाता है कुछ प्यारा सा सीन। सूरज तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम पे। तो चलो काकी को पिन लगा देते हैं पहले और फिर बाकी बातें आपको बाद में करते हैं। हमने लगा चुके हैं, हम उसके हेयर पे पिन लगा लिए ताकि उसके बाल आगे ना आए। और ये हमने आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। इधर बच्चे नहा भी सकते हैं, वो फन भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और ये है हमारे पास रेसिंग कार्स बच्चों की हैं जो कि पूरे पार्क में सारे कहीं पे आपको लेके जाती हैं, आपको खुद चलाना पड़ता है, वो लेकर नहीं जाएंगे, आप खुद चलाएंगे बच्चे। यही फ़न है इसके अंदर। और इसके अंदर एक प्यारी चीज़ ये भी है कि इसके अंदर स्कीटिंग भी है। तो ये हमारे पास हमने खरीद ली है टिकट हमने खरीद ली, अब हम उसको खोलते हैं, हमें से खुल नहीं रहा। तो चलो कोशिश करते हैं खुल ही जाएगा, जो टेप लगाई हुई है आपको एक साइड से टेप लगा के उसको जोड़ना है। लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो इसको डाल देते हैं हम इसके अंदर ताकि ये प्रॉपरली हो जाए। तो ये आ जाता है हमारे पास पाकिस्तान में पहला शॉपिंग पार्क। ये है इनकी पूरी की पूरी व्यू जिस तरह का इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो ऊपर से मैं आपको दिखा नहीं पा रही ना, इस वजह से मेरे पास कोई
नहीं है कि मैं ऊपर से आपको दिखा सकूँ कि पूरे का पूरा है क्या इसके अंदर। तो चलो आस्ता आस्ता दिखाते जाते हैं आपको, हम भी चलते हैं और आप भी हमारे साथ चलते चले। सो ये आ रहा था मेरे पास डंप ट्रेल, जिधर ये लोग शूज वगैरह उतार के रख देंगे जंपिंग करने के लिए। तो चलो देख अंदर से देख लेते हैं क्या। चलो जूते उतारो जूते उतारो जूते उतारो। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। चलो करो उस शॉपर में डाल लो। चलो जल्दी करो। चलो चला जी। हम पहुंच चुके हैं अंदर। चलो दिखाते हैं आपको आगे आगे। उन्हें शूज जूते जो है हमारे ले लिए। देखो नंगी पैड़ी हम घूम रहे हैं, कितना मजा आ रहा है नंगी पैड़ी नंगी पैड़ी। तो चलो देखते हैं अंदर की है क्या क्या। इन्होंने नीचे आर्टिफिशियल ग्रास डाल दी हुई है, आर्टिफिशियल है। तो ये कितना प्यारा सीन लग रहा है ना, मुझे सबसे प्यारा सीन बीच में से यही थोड़ा सा लगा था जो इन्हें एलियंस का बनाया हुआ था। और ये पूरा जंप डंप है, छोटा सा जंप डंप बना हुआ। और ये साइड पे बच्चों का थोड़ा सा एरिया है, थोड़ा सा उनका प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्रुप सॉरी मैं कहने लगी थी प्ले ग्राउंड है। तो चलो इसके अंदर ही हम बैठ जाते हैं। चलो चलो झूला लेते हैं झूले माया। इसके पांव चिट्टे हैं ओ इसका देख ये देखो इसके तो लग रहा है कि वो नंगी पैरी आई है नंगी पैरी और ये है हमारे पास एक साइड का जम टम के एक साइड का कह लो के चौथाई हिस्से का। ये हमारे पास आ जाता है छोटा सा प्लेस, छोटी सी प्लेस आ जाती है जहाँ जहाँ जम टम बड़ा सा उन्होंने बनाया हुआ है। और ये मुझे तो ये बड़ा प्यार लग रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है जाके खेल लूँ। तो चलो बच्चे खेल रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, करने दो। और ये देखो बच्चे को ज़रा, इन्होंने बीच में बहुत अच्छा बनाया हुआ। मैंने टिकट नहीं ली, मुझे पहले लगा कि शायद ये छोटे बच्चों का है, मेरा क्या काम जाने का। लेकिन अब मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी अंदर जाऊँ। तो चलो बाय बाय, बच्चा मुझे बाय बाय कह रहा है। जाने को दो बच्चे को, हम क्या हम बड़े हो चुके हैं। और ये आ चुकी है हमारी बच्ची बचूंगी, देखते हैं इनसे कैसे जुड़ा जाता है। तो ये तो चढ़ चुकी है, सबसे बड़ी वाली तो चढ़ चुकी है। वो पतली है वो चढ़ जाती है, वो जल्दी जल्दी चढ़ जाती है। मिनी देख नहीं रही, इनी मिनी देखो चेक देख नहीं रही। चलो जब तक ये बच्चे चढ़ते हैं तब तक आप जरा जाके बेल आइकन को जरा पाँव तो मार दें, पाँव नहीं प्यारा सा हाथ मारें, प्यारा से जाके उसे क्लिक करें ताकि बाद में भी आने वाली वीडियो मिल सके आपको। बाय बाय, मुझे बाय बाय कर रही थी, उसने मुझे देख लिया, मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। तो दो तो चढ़ चुकी हैं, तीसरी जाएगी है, वो पता नहीं अब कब चढ़ेगी। ज़्यादा गर्मी होती है ना, बच्चा को बुढ़ा भी जाता है और फिर पाँव भी फिसलन फिसलन से हो जाते हैं। तो वो इस वजह से शायद उसे चढ़ा नहीं जा रहा। उधर हेल्प भी करते हैं, ये नहीं कि आपने सारा क्रॉस खुद ही करना होता है। वो अगर आपको चढ़ने में मुश्किल हो रही है तो वो हेल्प भी करेंगे। चलो देखते हैं वो कैसे चढ़ती है। जब तक देख रहे हैं आपको तो जल्दी से, अगर आपने खाना शाना नहीं खाया तो जाके खाना शाना खा लें, खाना शाना साथ ही पकड़ लें, क्योंकि ये वीडियो तो बड़ी लंबी चलने वाली है और बड़े मज़ेदार सी वीडियो चलेगी। चलो जी वो भी चढ़ चुकी है और खाना जल्दी से ले आएँ जाके जाके अपना, जिसने जो जो खाना है, जिसने जहाँ भी जाना है जल्दी जल्दी से होकर आ जाएँ और जल्दी से आके मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारे पास जंप टप पूरा है, ये बहुत बड़ा है अंदर से, तो ये बहुत ही बड़ा है। मैं किसी तरह कोशिश करती हूँ कि मेरे पास टिकट तो नहीं है, मैं किसी तरह कोशिश करती हूँ कि मैं अंदर जाके ना आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अंदर, मैंने उनसे परमिशन ले ली थी कि मैं थोड़ा सा आगे जाके वीडियो बना सकती हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि आप ज़रूर जा सकती हैं, हमें कोई मसला नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अंदर आ गई हूँ, लेकिन ये भी कहा था कि ज़्यादा आगे मत जाइएगा, थोड़ा सा ही आगे जाइएगा। तो मैं फिर इधर तक आ चुकी हूँ, हाफ ही मैं आई हूँ, हाफ नहीं आई मैं, आगे तक नहीं मैं गई। तो मैंने कहा चलो अंदर से पूरा का पूरा दिखा देते हैं अंदर है कैसे। बच्चों की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं बीच के बीच में, बहुत सी क्रिएटिविटीज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि बच्चों को सॉल्व करनी होती हैं, बच्चों को उनके अंदर से गुजरना होता है। तो ये देखो ज़रा, मैंने इनको बोला भी है और ये अंदर से नहीं आओ, ऊपर ऊपर से कूद के और ज़्यादा मज़ा आएगा तुम लोगों को, चीज़ चीज़ कर लो मुझे। वो अपने मस्ती मस्ती में खेल रही हैं, चलो बच्चे हैं वो अपनी मस्ती में खेलेंगे। तो चलो चढ़ आओ ऊपर, आ जाओ हाथ पकड़ाओ मुझे, देखो हाथ हाथ पकड़ाओ ना मुझे,
चलो 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 चलो, पाँव रखो ऊपर, रख भी लो सीढ़ी, पकड़ो पकड़ो रस्सी को, सीढ़ी रस्सी नहीं गई, रस्सी को पकड़ भी लो। तो चलो जी, उससे नहीं चढ़ा गया तो आप आ जाओ, ये चढ़ जाएगी, जल्दी से चढ़ो, शाबाश शाबाश इनी मिनी। तो चलो देखो जरा उसको पीछे से धक्के मार या के चढ़ जाओ। वो इधर आ गया, वो बंदा बच्चा थक जाता है, वो इतना लंबा है, इतना लंबा वो सॉल्व करके आई है सारा, उसको उनने पार किया। तो ऊपर से जब है भी कुदन कुदाइयाँ नरम नरम, कुदन कुदाइयाँ है भी नरम नरम है, तो अंदर तो वैसे ही हिल जाता है। मैं तो थोड़ा सा ही आगे आई हूँ, तो मैं तो अंदर से पूरी हिल गई। तो चलो जी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो चलो ये मुझे लगता है इसे चढ़ा नहीं जाएगा, मैं इसको खींच खींच के खींच रही हूँ, लेकिन इसे चढ़ा जा ही नहीं रहा, इसका बार बार पाँव ही फिसल जाता है कोई हाल। तो चलो हाथ दोबारा पकड़ाओ और चढ़ना शुरू करो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं, चल चढ़ जा, इज्जत का सवाल है, चढ़ जा, मेरी भी कोई इज्जत रख दे। चलो जी चढ़ चुके हैं हम, शुक्र है चढ़ गई आज ही। तो ये देखो ये जरा जम टम के ऊपर मैं चढ़ी हुई हूँ, वो वहाँ से थोड़ा सा व्यू देखो, थोड़ा सा सीन देखो है कैसे। तो ये है अंदर से भी, ज़्यादातर मैं अंदर जा के नहीं दिखा सकती, तो चलो इधर से देख लो। ये मैं उतर चुकी हूँ नीचे, और मैंने दोबारा से ये लोग, मैंने इनको बोला चलो चलो जी आ जाओ ऊपर से नीचे आओ, मैं आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ। बच्चे को वीडियो बना रहे तो बच्चे तो वैसे ही बड़े खुश हो जाते हैं। भाई मज़ा आया, कैसा लगा आपको? और ये जो फिर भाई थे वो इनको बच्चों को ये भी साथ ही ले गए, शायद उन्हें कोई वीडियो बनानी थी सोशल मीडिया, या इसी की वीडियो बनाते हैं जम डम की, उन्हें कोई मूवी बनानी थी, तो वो कहते हैं चलो हम आपको फ्री का देंगे, फ्री का आप ले लो एक झूला, लेकिन आके पहले वीडियो बना लो। वो भी हमें साथ ही ले गए, ऐसे बच्चों को आप फ्री ले लो, लेकिन वो क्योंकि उस वक्त बच्चे नहीं थे ना, है वैसे तो वो वीडियो रियली बनाते हैं, लेकिन उस वक्त बच्चे नहीं थे, बच्चे तो पूरा पार करके आ चुके हुए थे, वो फिर बच्चों को दोबारा ले गए। तो चलो मैंने कोशिश की है कि अंदर से नज़र आ जाए, लेकिन ये अंदर से मुझे नज़र नहीं आ रहा ये है क्या चीज़ है, लेकिन कुछ फनी सा ही है। तो ये आ जाते हैं हम फन हाउस में, और ये हो चुकी है रात, रात हो चुकी है, और ये फाउंटेन्स, लाइट फाउंटेन जो हैं वो चल चुके हैं, और कितने प्यारे लग रहे थे ना, कि ये कलर्स कलर्स चेंज कर रहे थे अपने। मेरे ख्याल से मैंने तो ये पहली दफ़ा गुजरात में, वो भी ये पहली दफ़ा चीज़ देखी है, तो ये मुझे लगता है कि ये लिबर्टी गुजरात जो है वो बहुत ही चीज़ें ऐसी लाएगा जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। इसको चाहिए है काकी को पानी, तो चलो हम पानी भी लेकर आते हैं फट से जाकर, और तब तक आपको देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो देखो ज़रा घिर गई है मासा सारी है, और ऊपर से नीचे घिर गई है, तो कुछ नहीं होता, उठ जाओ, ये फोम है, कोई ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं लगा, बी ब्रेव। चलो आ जाओ, ये देखो पहला पजामा ये फाड़ चुकी है, तो उसको डर है कि मामा मुझे कुछ कहना है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पहले हमने जम टम बड़ा वाला लिया, फिर हमने फन हाउस लिया, फिर हमने ट्रैम्पोलाइन ली है, उसके बाद स्कीटिंग भी है इधर, हॉर्स राइडिंग भी है, कैमल राइडिंग भी है, आप कार राइडिंग भी है, कार भी आप चला सकते हो इधर, मतलब बच्चों के लिए है। तो ये सारा कुछ इधर बहुत अच्छा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, अगर आपको भी अच्छा लगा है तो इधर ज़रूर आइएगा, इधर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि गुजरात ने बहुत अच्छी चीज़ निकाली है जहाँ पर आप फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो और बच्चों को सोशल मीडिया से बचा सकते हो। तो चलो देखते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना, और ये फाउंट लाइट तो मुझे कमाल लगे हैं। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो देखते हैं कल की वीडियो में क्या होने वाला है, बाय बाय। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और सीक्रेट इनो चैनल को देखते रहिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।